और बताओ, और किसके पास है? हाँ, सर्वव्यापी कहते हैं। कौन कहता है, क्यों कहते हैं? कि भगवान को किसी ने देखा नहीं, निराकार है, वो देख नहीं सकता है, तो क्या कहे? तो सब जगह पर है, कहीं भी जाओ। अगर सभी जगह पर है तो आप मंदिर में क्यों जाते हो? वो सभी जगह पर है, घर में भी है, मंदिर में क्यों जाते हो? मंदिर क्यों बनाया? मंदिर में जाके पूजा करो, क्यों कहा? वो सब जगह पर है ना। तो आप में भी है, मेरे अंदर भी है, तो क्या भगवान गुस्सा करता है? आपके शरीर में अगर है, क्या वो गुस्सा करता है? तो कौन कर रहा है? हाँ, तो ये तब समझा देना पड़ता है कि मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं, प्रकृति का ज्ञान है। तो प्रकृति के अंदर अणु है, तो वो शक्ति, प्रकृति की शक्ति सर्वत्र है। हाँ, लेकिन लेकिन आपने कहा वो शक्ति है, शक्ति सर्वत्र नहीं है। सूर्य भी शक्ति है, सूर्य की शक्ति सर्वत्र नहीं। सूर्य एक जगह पर है, उसकी शक्ति सर्वत्र है। सूर्य के प्रकाश सब जगह पर है, लेकिन सूर्य सब जगह पर नहीं है। तो ऐसे भगवान एक जगह पर है, उसकी शक्ति सर्वत्र है, उसका रोशनी प्रकाश सर्वत्र है, एक ही जगह पर है, चारों तरफ है, फैलती है प्रकाश, किसी इधर भी गर्मी लगती है,